हाय गाइस, आंसर राइटिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पॉलिटिकल थॉट ऑफ ग्राम्शी इज एन लार्ज मेजर ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। ये आपको एलुसिडेट करना है। इसमें जो कीवर्ड है वो है एलुसिडेट, यानी इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या मतलब है। सो मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, देन हम लोग एक मॉडल फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी। तो देखिए, ये पहली बात क्वेश्चन है ग्राम्शी और मार्क्स का मिक्स्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ग्राम्शी के थॉट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है एंड कैसे उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली मार्क्स को क्रिटिसाइज किया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले मार्क्स के बारे में लिखोगे, आप मार्क्स के बारे में बताओगे कि कैसे ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर इन पॉलिटिकल साइंस एंड कैसे इन्होंने एक सिस्टम के बारे में बताया जिसका नाम है कम्युनिज्म, एंड इसको इन्होंने एक मास मूवमेंट के फॉर्म में बनाया। सबसे खास बात तो इनकी ये है, फिर इन्होंने इंस्पायर किया है वर्कर्स को कि वर्कर्स को एक्ट करना चाहिए, आर्म्स उठाने चाहिए अगेंस्ट कैपिटलिस्ट क्लास। तो पूरा एक सिस्टमैटिक स्टडी देते हैं एंड ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनके जाने के बाद देखिए स्कूल्स ऑफ मार्क्सिज्म भी डेवलप हुए। तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म एक्सेट्रा, एंड जो ग्राम्शी हैं वो आपके नियो मार्क्सिस्ट स्कूल के स्कॉलर हैं, एंड ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में आप लोग लिख सकते हो लेनिन एंड स्टालिन का, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आप बॉडी में क्या बता सकते हो कि बॉडी में देखो आपको क्रिटिसाइज़ करना है, तो सबसे पहले आपको मार्क्स का बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल बताना पड़ेगा कि कैसे मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं एंड जो बाकी पॉलिटिकल कल्चर है एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, रिलीजन है, ये सब पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है। फिर जो देखिए ग्राम्शी है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि क्यों मार्क्स की थ्योरी डिड नॉट लीड टू एंड ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसलिए अब वो इस पर्टिकुलर जो मार्क्स की थ्योरी है उसमें कुछ कुछ फॉल्ट्स ढूंढते हैं एंड वो मार्क्स की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो क्या वो बताते हैं, वो कहते हैं कि मार्क्स ने ओवर एम्फेसाइज किया है किस पे, इकोनॉमिक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा मार्क्स ने क्या करा है, ओवर एम्फेसिस दिया है, एंड जिसकी वजह से कल्चर एक्सेट्रा ये सब निग्लेक्ट हो चुका है। बट मार्क्स ने जो ग्राम्शी है वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल्चर, रिलीजन ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड केवल इकोनॉमिक फैक्टर डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे उसके बाद हेजिमनी का कॉन्सेप्ट बताना है कि ग्राम्शी कैसे बताते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो इसलिए सस्टेन कर रहा है क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है उन्होंने अपनी हेजिमनी बना ली है। फिर आपको उसके बाद बताना होगा कि कैसे जो ये कैपिटलिज्म की हेजिमनी है ये दो लेयरिंग से प्रोटेक्टेड है, नंबर वन सिविल सोसाइटी एंड जो कि सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करती है, एंड उसके बाद स्टेट जो कि कोर्सिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपको ग्राम्शी का क्रिटिसिज्म बताना है अकॉर्डिंग ऑन मार्क्स, मतलब मार्क्स पे उन्होंने क्या बोला। तो जो मार्क्स है देखिए वो इस सिविल सोसाइटी को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट ग्राम्शी बताते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी है जैसे आपकी चर्च, एजुकेशन, ये सब भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं जिससे कि कैपिटलिज्म अपनी हेजिमनी बना के रखे, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो कैपिटलिज्म है वो सस्टेन करते रहता है। सो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर आंसर को लिख सकते हैं। फिर देखिए कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि कैसे जो ग्राम्शी हैं इन्होंने मार्क्स की जो कमियों को बताया एंड एक टाइप का मार्क्स का काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जिसकी वजह से मार्क्सिज्म को क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के जो टैग है इससे फ्रीडम मिल गई। तो एक टाइप का इससे इनको रेस्क्यू करा दिया, एंड आप ऐसे आंसर को एंड कर सकते हैं। सो आई होप आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा।